आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग का श्लोक 4 देखते हैं। स व ये वाली चीज, इसको राइट साइड में देखेंगे कि क्या मतलब हुआ। ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र, और वह पूरा दिख ही रहा है। ऊपर जो व के ऊपर मात्रा है वो है आधा र, र के नीचे हलंत दिख रहा है वो है आधा र। आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है, सर्व जो पूरा होता है उसमें आपको अ का उच्चारण मिक्स करना होता है। सर्व योनिशु, शु और नी दोनों की मात्रा छोटी है, आपको दोनों को लंबा नहीं खींचना है। सर्व योनिशु, क पर है औ की मात्रा, इसको पढ़ा जाता है कऊ। ध्यान देंगे जैसे हम ओ और औ ये मात्रा पढ़ते हैं तो क पर पढ़ेंगे कऊ। आधा न इसके साथ कौन ते य, य एकदम प्रॉपर क्लियर सुनाई आए, य में आपको अ मिक्स करना है। कौन ते य, कौन ते य। पहला चरण वापस देखेंगे, सर्वयोनिषु कौन्तेय। दूसरा चरण, म पर है बड़े ऊ की मात्रा मु, म पर बड़े ऊ की मात्रा मु। वापस त पर वही मात्रा जो इसपे आधा र और पूरा तर, आधे र को इसके साथ पढ़ा मूल, त और य दोनों पूरे पूरे अक्षर हैं, दोनों में आपको अ मिक्स करना है। अ मिक्स करने का तात्पर्य कल भी बताया था, त एक तो ऐसे बोला जाता है त, और एक त में अ मिक्स किया जाएगा तो त य, ठीक है। तो मूर्तयः, मूर्तयः, य में अ की मात्रा है ना, तो विसर्ग जो ये होता है विसर्ग, इसको ह पढ़ा जाएगा मूर्तयः। स पूरा और म के नीचे हलन, सम भव। अब ऐसी मात्रा देखते कंफ्यूज नहीं होना है, आधा अक्षर है आधा ना, आधे अक्षर को व के साथ पढ़ लीजिए भवन। बच्चा क्या था, तो पे ई की मात्रा लगा थी, भवंती, भवंती। या में किसकी मात्रा आ गई आ की, तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। देखिए यहां पर अ की मात्रा थी तो ह पढ़ लिया, और यहां पर आ की मात्रा है तो हा पढ़ लिया। इस तरह से विसर्ग मात्रा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मूर्तयः संभवन्तयः, यहां पहला और दूसरा चरण साथ में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तयः। मात्रा जहां पे भी बढ़ी है उसको अधिक समय देना है, जैसे इस शब्द में दिया गया। तीसरा चरण देखेंगे, तासा शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार, तो उसको आधा म, तासाम। ब्र, ब्र कैसे बनता है, कल देखा था ये शब्द हमने, ब्र यानी ब आधा और र पूरा, ब्र ये ह आधा होता है। कैसे, क्योंकि ह ये जब अंदर मुड़ावा रहता है तो ये ह पूरा होगा, और जब मुड़ावा नहीं है तो ये ह आधा है। म पूरा दिख ही रहे हैं, ब्रह्म, ह के अंदर हलंत नहीं लगता है, ह के अंदर ये जो मुड़ाव होता है ये हटा देते हैं तो ह आधा हो जाता है, और जब मुड़ाव कर देते हैं तो ह पूरा हो जाता है। तो ये शब्द क्या बना, ब्रह्म। म पूरा, पहले म में अ मिक्स करें, महद, देखिए ये ह पूरा है महद। ये शब्द कल भी थे, योनि मात्रा छोटी है लंबा नहीं खींचेंगे। तासाम ब्रह्म महद योनि। चौथा चरण, र और ह दोनों पूरे पूरे अक्षर हैं, और शब्द पूरा होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर अनुस्वार है, तो अनुस्वार पढ़ा जाएगा आधा म, रहम। ब पे बड़ी की मात्रा है लंबा खींचेंगे, बीज, बीज, ज में अ मिक्स किया है, प्र, जैसे ब्र पढ़ा गया था वैसे प्र पढ़ा जाएगा, इसमें ब आधा था इसमें प आधा है, और ये वाली जो मात्रा है ये हमेशा र होती है, इसको क्या पढ़ा गया, प्र, प्र द पूरा प्रद, और विसर्ग है द में अ की मात्रा, प्रदह, प्रदह पिता।
सिंपल पिता। चौथा चरण वापस, रहम बीज प्रदह पिता, पिता कोई ऐसे नहीं पड़ेगा, पी मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना है। रहम बीज प्रदह पिता। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तासम ब्रह्म महद योनि, रहम बीज प्रदह पिता। आप पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सर्व योनि कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः, तासां ब्रह्म महद् योनि, रहम बीज प्रदः पिता। इस श्लोक का उच्चारण एक बार वापस करेंगे, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः, तासां ब्रह्म महद् योनि, रहम बीज प्रदः पिता। अब इस श्लोक का अर्थ सभी लोग ध्यान से सुने, एक कल वाले अर्थ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। सर्व योनिषु कौन्तेय, यहाँ पर कौन्तेय शब्द जो है, कौन्तेय शब्द है वो अर्जुन के लिए कहा गया, कुंती के पुत्र होने के कारण। सर्व योनिषु यानी सभी योनियों में, मूर्तयः संभवन्ति यहां मतलब सभी योनियों में कुंती पुत्र मैं मूर्तयः यानी उन प्राणियों को संभवन्ति पैदा करता हूं। कैसे? तासाम ब्रह्म उनके अंदर महद योनि, महद योनि का अर्थ होता है प्रकृति, ब्रह्म महद ब्रह्म का प्रकृति मतलब मूल प्रकृति, तो उनकी योनि यानी जो उत्पत्ति स्थान होता है, जो जहां से हमारा जन्म होता है, तो वो तो कौन है? प्रकृति। और बीज प्रदह पिता, और बीज प्रदान करने वाला पिता कौन है? हमारे भगवान। कल जो अर्थ था उसमें ये था कि योनि जो रहती है वो तो के मूल प्रकृति, और जो उसके अंदर बीज प्रदान करता है वो होते हैं भगवान। तो इसीलिए यहाँ पर बीज प्रद पिता को बोला है जो गर्भ स्थापित कर रहे, और यहाँ पर मूल प्रकृति किसको बोला है? मूल प्रकृति जो है वो हमारी माता है। तो इस तरह से कुंती पुत्र इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण प्रकृति के साथ मैं स्वयं करता हूँ। भगवान का कहने का तात्पर्य ये, जिसके अंदर प्रकृति हम सभी की माता है और हमारे पिता परम पिता परमेश्वर भगवान है। नारायण नारायण।